हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनी गो वर्ल्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो तेजी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट मेरे चैनल की सबसे पहले देखने मिले। जैसे देवनार की सैटरडे की मंडी की अपडेट कवर करना है, सबसे पहला मैं जो वाड़ा क्रमांक कवर कर रहा हूँ वो है H4 वाड़ा क्रमांक 9। ये जो वाड़ा है इसमें आप लोगों को दिखाऊंगा माशाल्लाह टोंक मंडी के ना बहुत ही शानदार कोठा क्रॉस मालवा है। काफ़ी लोग कान की क्वालिटी के पीछे जाते हैं। भाई ये देखो, कान छोटे, अदन बच्चा है, काफ़ी अच्छी लंबाई वगैरह है, पेटी थोड़ी कम है बट बहुत अच्छा है। ऐसे इसमें कुछ काफ़ी सारे बच्चे हैं जो आप लोग लेके पाल सकते हैं। एट प्रेजेंट यहाँ पर व्यापारी तो है नहीं, मगर मैं चाहूँगा आप लोगों को कुछ माल बताऊँ जो कि पालने लायक है माशाल्लाह। ये देखिए भाई, ये सब फ्रेम वाले बकरे हैं, अच्छे अच्छे फ्रेम के, भी थके हुए छोटे कान के बकरे हैं। मन नो डाउट ये सब बच्चे भी बहुत अच्छे बनते हैं। अगर किसी का लंबे कानों में बजट नहीं बनता है ना तो देवनार से ले सकता है, और अगर किसी को देवनार से भी कम रेट में चाहिए तो इंशाल्लाह मेरी वीडियोस आती है तो उसको देखिए, कॉल करिए। वो सब स्क्रीन पे जो मैं नंबर देता हूँ सभी भाइयों के लिए, अच्छी चीज़ अच्छे रेट में इंशाल्लाह मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाती है। ये देखिए भाई, मक्की छीना में माशाल्लाह से भाई फोटा है। ये देखिए भाई, क्या स्पॉट है इसके, आगे से पीछे एक ही स्पॉट में माशाल्लाह बच्चा। और भी बच्चे हैं यहाँ पर, ये देखिए भाई बकरा, देखिए मालवा कोटा क्रॉस, इसमें ज़्यादा माल मालवा कोटा क्रॉस का ही है, मालवा भी है इसमें। देखो भाई माशाल्लाह, ये देखिए मालवा कोटा ज़्यादा करके आप देखोगे यही सब बकरे हैं इसमें। और भी ये देखिए भाई, कुछ बकरियाँ भी है, अगर पार्ट है तो आप लोग ले सकते हो, और ज़्यादा दाद की तो आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। ये देखिए भाई, कुछ ऐसे बकरे भी हैं। अभी धीरे धीरे धूप वगैरह आएगी तो ये सब बकरे जब खंडी में बनेंगे तो और निखर के आएंगे। मुंडे बकरे भी है इसमें, कुछ दाती भी है जो शॉर्ट हाइटेड रह गए हैं, बाकी क्वालिटी में भी है इसमें कुछ कुछ बकरे। लंबे कानों में तो आप लोगों को नजर नहीं आएंगे, बाकी ठीक ठाक है। मालवा वगैरह भी है इसमें। एक ये बच्चा भी मुझे काफ़ी पसंद आया है, काफ़ी अच्छे हड्डे पाए का है माशाल्लाह। अगर कोई पालना चाहे तो ज़रूर इसे पाल सकते, क्योंकि फ्रेम में अच्छा ही है, कान कम है मगर फ्रेम वगैरह का बहुत तगड़ा है। अभी पूरी मंडी इंशाल्लाह बाकी कवर करना, तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखें। तो जैसे जैसे मैं बाड़ों में आगे बढ़ रहा था, कुछ ऐसे बकरे भी नज़र आए मुझे देवनार में माशाल्लाह। ऐसी चीज़ भी आती है, पेंसिल बॉडी है, मतलब पेटी वगैरह कुछ है नहीं इतना खास, बाकी ठीक है यार। देवनार में देखो ऐसी सब चीज़ मिल जाती है आप लोगों को ईजीली, मगर इसका भी कुछ सीज़न होता है, आ जाए हमेशा आप लोगों को ये चीज़ देखने नहीं मिलेगी। कुछ अजमेरा भी आते हैं माशाल्लाह से भाई, मिक्स माल में ना ये सब होते हुए दिखता है आप लोगों को। ये देखिए भाई, सिंध के साइड के, कच्छ के साइड के बकरे मिक्स माल में, लंबे लंबे बालों में अगर किसी को शौक करना है तो वो इजीली ले सकता है। ठीक ठाक बकरे मिल ही जाते भाई देवनार में। तो माल आज की मंडी में मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए माशाल्लाह से भाई, बकरे तो भरपूर है आज। अब इसमें इंशाल्लाह अगर जो मुझे बेस्ट लगे वो मैं कोशिश करूँगा आप सभी भाइयों को दिखाने के लिए। ये देखिए भाई, अपने प्योर चरे हुए देसी मालवा, अब इनको फीडिंग वगैरह कराई जाएगी, बाद में इन्हें खंडी में खाना जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा इनका लुक बर्बरी जैसा ही है। ये देखिए भाई, एकदम प्रॉपर बर्बरी ही दिखते ही है, एकदम देसी बकरे, छोटे 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 बकरे। दिख रहा होगा आप लोगों को, तो जैसे कि धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अजमेर वगैरह का माल भी काफी नजर आ रहा है। ये देखिए भाई, एक बच्चा इसमें बहुत शानदार है। ये देखिए माशाल्लाह भाई, बोन साइज, फ्रेम, चेहरा, गला पट्टी, ऐसे बच्चे जल्दी देखने मिलते नहीं है। सोजत में भी माल आया हुआ है, गिने चुने ही बकरे हैं जो क्वालिटी में आप लोगों को देखने मिलेंगे। इतना कुछ खास है नहीं,
बाकी मैं ट्राई करूँगा जो सबसे बेस्ट होगा वो आप लोगों को स्क्रीन पे लेके आने के लिए। तो बाड़ों में भी भेड़ वगैरह भी है काफ़ी, काफ़ी लोग अलग अलग पर्पज़ के लिए लेके जाते हैं। बकरे आज बहुत है, इंशाल्लाह मैं धीरे धीरे करूँगा ट्राई आप लोगों को बताने का। तो वीडियो बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखें, देखते हैं हमें क्या और देखने मिल सकता है। बाड़ों में तो माल है ऐसे नहीं है, तो कुछ बड़े बकरे भी हैं माशाल्लाह से भाई, तो जिसको जैसा ठीक लगे वो वैसे बकरे ले सकता है। अजमेर में भी माशाल्लाह से, जैसे कि मैं बताया था, वापस एक बार बताता हूँ आप लोगों को, माल बहुत आया है, मगर अजमेर का रेट कोटा के कंपैरिजन में बहुत हाई होता है, आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह से भाई हर जगह माल तो आया हुआ है, बाकी थोड़ा मिक्स मसाला है, हर जगह अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी का, अपने अपने रीजन का बकरे आए हुए। कट्टू के तो प्रॉपर माल है एकदम, कुछ अगर ऑनलाइन परचेज हो गया है तो वो भी इंशाल्लाह मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को दिखाने का। बड़ी बड़ी सोजत की बांज फीमेल है, ये देखिए बैठी हुई है भाई, इतनी बड़ी साइज़ की फ़ीमेल आप लोगों को कभी नहीं लेना चाहिए मंडी से, कि ज़्यादा करके भाई वो फीमेल बेला हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। थोड़ा बैक साइड में जब हम आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी भेड़ वगैरह आप लोगों को देखने मिलेगी, जो अगर मेंढे वगैरह भेड़ वगैरह पालने शौक करते हैं उनके लिए तो एनी टाइम एनी सीज़न आप लोगों को मिलेगी भेड़, कोई दिन नहीं होता है, जो मंडी का दिन होता है उस दिन में आप लोगों को भेड़ मिल जाएगी। पीछे भी कुछ बकरे इंशाल्लाह वो भी दिखाने का ट्राई करते हैं। तो जैसे कि हम बैक साइड आते हैं, बैक साइड में भी ज़्यादा करके मैं देख रहा हूँ कि कट्टू का माल है, इसमें कुछ यूनिक आइटम मुझे अब तक दिखा नहीं है, तो ओवरऑल बाहर से एक ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर भी जो बकरे बंध रहे हैं ये भी कट्टू का ही माल है, कुछ इतना आया नहीं है। ये देखिए भाई एकदम एंड में आ गए हैं हम, और अभी भी कुछ इतना दिखा नहीं है आज,